किसी भी तरीके के ड्रोन्स को लाना यहाँ पे इलीगल है और एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर आप यहाँ पे ड्रोन्स लेके आते हो और आपको पकड़ लेते हैं तो आपको यहाँ जेल हो सकती है। 100-300 समथिंग में मेरे को सिम पड़ गई थी, 20 GB का जो है डेटा मिल गया था। यूसेल जो यहाँ पे ब्रांड चलती है उसका मैंने सिम खरीद लिया था। कल रात को मैं जिस हॉस्टल में रुका था उसका नाम था लाइट हॉस्टल, जो जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी थी यहाँ पे। तो हॉस्टल में मैंने रात को चेक इन किया था और आज मैं निकल रहा हूँ समरकंद के लिए। कल रात को मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और यहाँ का जो टेम्परेचर है भाई बाकी सारी जगह से बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। विंटर्स में अगर मैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को कंपेयर करूँ तो उज़्बेकिस्तान का टेम्परेचर जो है, स्नो यहाँ पे भी गिरती है लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत प्लेजेंट रहता है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। भाई मैं खड़ा हूँ अभी ताशकेंत रेलवे स्टेशन पे, नॉर्थ रेलवे स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ अभी समरकंद। मेरी जो ट्रेन है उज़्बेकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन है, मुझे बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना था लेकिन अभी पता चला कि बुलेट ट्रेन की टिकट्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो नॉर्थ साइड पे आपको टिकट मिल जाती है बट जो ट्रेन है उसके लिए आपको साउथ पे जाना पड़ता है टैक्सी लेके। तो मेरे हॉस्टल से यहाँ तक की टैक्सी लगी 60 रुपये पे। बहुत ही लाइफ सेविंग ऐप है यांडेक्स गो, जो आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। बहुत ही चीप प्राइस है। एयरपोर्ट से हॉस्टल का मेरे को पड़ा 140 रुपये। उसके ऊपर ऑप्शंस आते हैं अगर आपको टिप देनी है ड्राइवर को, तो मैंने मैक्सिमम टिप पे भी, जब ऑप्शंस में जाके मैक्सिमम टिप का जो अमाउंट होता है उस पर भी क्लिक किया, तब भी मेरे 40 रुपये कटे। तो ये इतनी चीप है कंट्री। और मेरे हॉस्टल से यहाँ का ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था उसके लिए मैंने पे किया शायद 60 रुपये के आसपास। उज़्बेकिस्तान के अंदर किसी भी जगह के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे टिकट और आपको मिल जाएगी। मेरी टिकट ताशकंद से समरकंद की पड़ी मेरे को 900 रुपीज़ की, और ये सेकेंड क्लास स्लीपर ट्रेन मिली है मेरे को। बट मुझे बुलेट ट्रेन चाहिए थी। बुलेट ट्रेन मैं वापस में बुक करवाने की कोशिश करूँगा। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि बुलेट ट्रेन से ज़रूर जाना है, इनकी बुलेट ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ड्रोन लाना और ड्रोन उड़ाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये भी मुझे अभी रिसेंटली पता चला। एयरपोर्ट पे आपकी 2 बार स्कैनिंग होगी, आपके बैगेज जो है कस्टम से क्लियर करने के बाद एक यहाँ पे मशीन लगी है जो चेक करती है आपके पास कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो ड्रोन के जैसे हो या फिर जो ड्रोन्स हो। वही इसकी कॉस्ट है 4,000 सोम, और ये बेसिकली एक रोल टाइप का है जिसके अंदर वन हॉट, अच्छा गर्म करके, ठीक है। ओनली वन, ओनली वन, न्यू दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, सलमान खान, शाहरुख खान, जाकिर नायक, जाकिर नायक, यू नो हिम, यू नो, मैं मी हिंदू, समरकंद, आई विल गो टू समरकंद, ट्रेन, डॉक्टर जाकिर नायक, ओके। तो भाई जैसे ही मैं ताशकंद में लैंड कर रहा हूँ ना यार, मेरे को टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। 10 डिग्री का एटलीस्ट टेम्परेचर फ़र्क आ चुका है। 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने हेल्प कर दी मेरे को टैक्सी करा के साउथ वाले स्टेशन पे पहुँचाने की, जहाँ से समरकंद की जो ट्रेन है वो मिलेगी। ये देखो, ये सामने ही रेलवे स्टेशन है, और अभी अभी भाई ATM से कैश निकलवाया है। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो ना, ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये 4 लाख सोम जो है ये यहाँ की करेंसी। देखो सबसे बड़ा नोट है, शायद सबसे बड़ा नोट यही है, और ये 4 लाख सोम जो है ना, ये 4 लाख सोम इक्वल बनते हैं 2700 रुपये में, जिसमें 40 रुपये का मेरी ATM की फ़ीस भी कटी है। स्ट्रीट मार्केट होती है ना, एक छोटी सी स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, देखो ये ब्रेड, ये यहाँ की लोकल ब्रेड है, ये लोग घर में बनाते हैं। और ये देखो भाई, सोमसा गुमा, और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो स्टेशन के साथ में एक मार्केट लगी हुई है। देखो भाई, ब्रेड तो यहाँ पे हर जगह है, इसके अलावा ये क्या है पता नहीं। परफ्यूम्स वगैरह मिल रहे हैं, डुप्लीकेट वॉचेस मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल रहा है, स्पोर्ट्स की कॉपी 40,000 सोम में, ये कुछ बिस्किट विस्किट खाने पीने के लिए। लेकिन अब ये पूछ के ही मैं पहुंचूंगा, क्योंकि उसने तो पेंसिल से मार्क कर दिया, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ,
और जब इंग्लिश में बात करी तो ट्रांसलेटर की हेल्प से तो समझ आ गया, लेकिन अब बाहर आने के बाद कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये ट्रांसलेटर में ढंग से बता नहीं रहा है कौन से स्टेशन पे जाना है, तो एक बार मैं पूछता हूँ यहाँ पे लोकल किसी से। B, हाँ। What's Oh, you have to make it. You have to keep a record. Okay. Yes. ठीक है। तो यार ये देखो, ये टूरिस्ट हॉल बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही सही चीज़ बनी हुई है। अभी मैंने देखो यहाँ से एंटर किया है और अंदर एक वेटिंग हॉल बना रखा है सिर्फ टूरिस्ट के लिए, और सारी फैसिलिटीज़ है। यस ओके, कहीं लेके जा रहे हैं ये मेरे को VIP हॉल के अंदर। ओके, रिकॉर्डिंग, हाँ, VIP रूम, ठीक है। दिस इज VIP रूम एंड ओके। मोहब्बत, यू नो व्हाट मोहब्बत, लव, मोहब्बत, इन हिंदी भी से लव, प्यार प्यार, महबूबा, मोहब्बत। तो भाई समझा रहे मैडम। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप VIP रूम के अंदर आओ और ये सारी वीडियो जो इधर बनाओ इधर रिकॉर्ड करो। तो ये है यहाँ का VIP रूम। आई कैन रिकॉर्ड, आई एम गुड, शी सेड कम हियर रिकॉर्ड। थैंक यू। इतनी वेलकमिंग लोग हैं, नॉर्मल टूरिस्ट हॉल से मेरे को VIP रूम में लेके आए हैं और मेरे को बोला है यहाँ आओ, हमारे लॉन्च को और हमारी जगह को रिकॉर्ड करो। यहाँ का मतलब लोकल वर्क है वो सब सामने दिख रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स, और इसके अलावा डेकोरेशन कर रखी है, क्रिसमस का टाइम है। ये यहाँ का हॉल है बहुत बड़ा सा, और उन्होंने बोला आपने रेस्ट रूम यूज़ करना है आप यहाँ जा सकते हो, उसके अलावा ये रिसेप्शन है, कुछ खाना ऑर्डर करना है तो कर दो। बट अभी मैं वहाँ पे चाय ऑर्डर करके आया हूँ और लोग भी बैठे हुए हैं यार, बहुत ही बढ़िया जगह है भाई। ये रेलवे स्टेशन है, इमेजिन नहीं कर सकता, एयरपोर्ट पे भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो काफ़ी प्यारा है। और उज़्बेकिस्तान काफ़ी पसंद आया भाई मेरे को। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में जो लैंग्वेज होती है ना, सिमिलर लैंग्वेज है, रशियन साथ साथ चलती रहती है। इधर रशियन कम है, इनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लेटर्स यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे रशियन लेटर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, स्क्रिप्ट उनकी वैसी है जहाँ पे रशियन वर्ड्स जो हैं लेटर्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स का है यूज़ करके ये लोग अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये एक डिफरेंस मेरे को यहाँ पे लगा। और इसके अलावा भाई उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। जहाँ पे मैं कल रात को रुका था, लाइट हॉस्टल, वहाँ का जो मैनेजर था उसने मेरी बहुत हेल्प करी, उसने अपनी ऐप से सारी चीज़ें बुक बुक कर रहा था। मेरे को खाना खाना था तो उसने अपने फ़ोन से ऑर्डर करके मंगवा दिया था। बाबर के ऊपर और इस्लामिक मतलब जो अटैक हुआ था मुगल्स के अटैक के ऊपर, ठीक है, इन तीन चीज़ों पर हमारी बात स्टार्ट हुई। उसने बोला तुम्हें हिस्ट्री में गलत पढ़ाया गया है, और हमें पढ़ाया गया है कि मतलब वो बोलता है कि जो बाबर है उसको हम एज अ ग्रैंड फादर मानते हैं, कह रहे हैं कि इंडियंस को बहुत ही गलत पढ़ाया गया है हिस्ट्री के अंदर कि बाबर बहुत ही मतलब नेगेटिव उसकी इमेज बनाई गई है, वो मुगल था और उसने इंडिया में बहुत अटैक करे हैं। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक वॉरियर था, उसने इंडिया जाके अपना मतलब एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट मुगल एम्परर सेट किया था, लेकिन हम इसको मुगल नहीं बोलते बेसिकली। तो कह रहे हैं मुगल और बाबर का कोई कनेक्शन नहीं है, वो मुगल नहीं था। तो इस चीज़ पे हमारी बहस हुई, मैंने कहा देखो इसी वजह से हमारी कंट्री अलग है और तुम्हारी कंट्री अलग है। बस अब हमें रिलीजियस उसमें घुसना नहीं चाहता था कुछ भी करके, लेकिन नॉर्मल हमारी जो बात हुई, हमारी कंट्री अलग है और तुम्हारी कंट्री अलग है, तो वही एक ये बस इस पर थोड़ा सा वो इमोशनल हो गया था बंदा। बाकी मैं आपको एक बार रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ की बाहर जो ट्रेन है, ये बाहर ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, और 2:05 पे मेरी ट्रेन आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। मैं रेलवे स्टेशन के अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो देखो सामने मैंने जब एंटर किया तो अंदर एक वेटिंग हॉल हो गया, ठीक है, मैंने बाहर का आपको दिखा दिया, ये अंदर का है, वेटिंग हॉल हो गया। अब वेटिंग हॉल के बाद देखो ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टूरिस्ट हॉल है जहाँ पे मैंने अभी अपना बैग रखा है, अंदर भी दिखाऊंगा। इसके बाद कम्फर्ट हॉल है, VIP रूम है,
ये सारी चीज़ें रेलवे स्टेशन के अंदर हैं उज़्बेकिस्तान की। ये सिल्क रोड के बारे में, ये जो ट्रेन जर्नी करती है ना, उसका पूरा मैप भी बना हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी दूर देख रहा हूँ मैं, तो बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और आई होप जब मैं वहाँ बैठूँ ट्रेन के अंदर तो मुझे वो अच्छे दिखें, और आई होप मुझे वो मज़ेदार लगे। यार अभी ना मैं पीछे एक लोकल शॉप वाले से ना कुछ सामान खरीद रहा था भाई, उसको चार पांच चीज़ें ही पता है इंडिया के बारे में। देखो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है 80-90%, तो ये लोगों को पता है आगरा, ताजमहल, शाहरुख खान, सलमान खान, और इनको पता है जाकिर नायक। और जाकिर नायक का पता नहीं क्या क्रेज़ है भाई, जिस भी बंदे को बोलो जाकिर नायक गुड, आगरा गुड, ताजमहल गुड, ऐसे ही बोलते हैं। जिससे भी मैं जाऊँगा ताशकंद, ज़रा भाई साहब से पूछ लेते हैं। 14 नेक्स्ट 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 भाई, और आगे 14 14 दिस इज ओके। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन के अंदर, और जिन भाई साहब के साथ सीट मिली है ये हैं काराकल पाकिस्तान से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडिया। माय फोटो बाखल बाखल, माय नेम विनीत बहल। भी मेरे साथ जो ट्रैवलर्स हैं ना, इनको बहुत इंटरेस्ट था इंडियन रुपीज़ देखने में, तो मैं उनको अपने, मैं जो कैरी कर रहा हूँ ना, मैं इनको वो दिखा रहा हूँ, सिख इंडियन रुपी 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 इंडियन रुपी इंडियन करेंसी 200 एंड दिस इज 100। हाउ मच you can convert, you can convert on online, check how much 300 rupees is 14 300 equals to 14,000 som, it's 29,000 my currency ki value dekh ke ye log thode se hairan ho rahe hain dollars yes no rupee rupee in india it's rupee dollars no no dollar dollar is for us to ye kuch bahut interest le rahe the oh nice rich ये जर्नी चल रही है, ये चल रहा है जिमी जिमी और डिस्को डांसर सॉन्ग। Also, I know this film. This one? About crocodile. Who this crocodile eats some part of face. Which one? भाई देख लो जिमी जिमी सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे, और ये लोग बोल रहे हैं जिमी जिमी सॉन्ग सुनाओ, ये देखो जिमी जिमी उधर उसे ये सही सेंसिल कर बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ऑल फ्रॉम बॉलीवुड, दिस इज आल्सो फ्रॉम बॉलीवुड, शाहरुख ओल्ड मूवी, शाहरुख खान वेरी ओल्ड मूवी, शाहरुख खान यार बॉलीवुड या बॉलीवुड इंडियन मूवी यस Bollywood is a Hindi movie. Zubi zubi zubi. You know this also? Tansu tansu. Yeah. इनको तो सब कुछ पता है. Zubi 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 zubi. Moon three, you say? Amir Khan. This is he's Amir Khan. Amir Khan. Amir Khan. Amir Khan. Not him. आमिर खान धूम थ्री, वेरी फेमस एक्टर, विद सॉन्ग धूम थ्री विद सॉन्ग, मलंग
तो भाई काराकल पाकिस्तान के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि काराकल पाकिस्तान एक्चुअली एक कंट्री है उज़्बेकिस्तान के अंदर, एक सेपरेट कंट्री, और किसी को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये उज़्बेकिस्तान का पार्ट है, बट ये उज़्बेकिस्तान के अंदर एक और सेपरेट कंट्री है। जैसे सेपरेटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे लड़ाई करते रहते हैं कंट्री के अंदर, और उनका फ्लैग भी अलग है। तो ये जो सर मिले हैं मेरे को, ये काराकल पाकिस्तान से, और ये उनका बर्थ वहाँ पे है। तो ये मेरे को वहाँ कंट्री के बारे में बता रहे थे, ये कुछ फैक्ट है उज़्बेकिस्तान के बारे में जो मेरे को नहीं पता था। तो भाई फाइनली टच डाउन हो गया है समरकंद के अंदर, और उज़्बेकिस्तान के बारे में एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि उज़्बेकिस्तान में ट्रेन जो है वो टाइम से चलती हैं। तो ये ट्रेन थी जिससे मैं आया था उज़्बेकिस्तान रेलवेज़ की, इसका चार्ज था अराउंड 900 रुपीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। सेकेंड क्लास स्लीपर की टिकट थी, और अभी बाहर जाके एंडेक्स को करेंगे, और बाहर स्टेशन से बाहर है यहाँ का स्टेशन, ऑलमोस्ट खाली, और ऐसे ही होता है यहाँ पे।